हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं उस्मान और आप देख रहे हैं साइन मार्वलस। अगर आप भी बेस्ट वेब सीरीज के फैन हैं तो हो जाइए तैयार। आज मैं लाया हूं आपके लिए ऐसी 5 वेब सीरीज जिनको देख के आपका मूड बन जाएगा। ये वेब सीरीज बहुत ही बेहतरीन है और आपको कम से कम इनको एक बार तो जरूर देखना चाहिए अगर आप वेब सीरीज के फैन है। लेकिन अगर आपके पास कितना खाली टाइम नहीं है, आप बहुत बिजी आदमी हो मेरी तरह, तो सबसे पहली जो वेब सीरीज मैं आपको रिकमेंड करता हूँ उसका नाम है द लास्ट ऑफ अस। ये वेब सीरीज आई है 2023 में। ये पोस्ट अपोकैलिप्टिक एक्शन एडवेंचर और ड्रामा वेब सीरीज है जो कि एक गेम से अडेप्ट हुई है। इस वेब सीरीज के अंदर हमें कहानी दिखाई गई एक पोस्ट अपोकैलिप्टिक दुनिया की, जहां पे एक फंगस अटैक करता है और पूरी दुनिया तबाह हो जाती है। इन सब के बीच में अपना हीरो जॉल, जो कि किसी पे भरोसा नहीं करता और एक स्मगलर भी है, उसको एक लड़की को स्मगल करने का काम दिया जाता है जो कि टीनेजर है और वो उस फंगस से म्यूटेड है। वेल, तो जॉल और एली इस फंगस इफेक्टेड और डेंजरस दुनिया में कैसे सर्वाइव करते हैं ये तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। इसके अलावा अगर फिर भी समझ ना आए तो मैंने द लास्ट ऑफ अस पे एक फुल रिव्यू दिया था, अगर आप चाहें तो मेरी वो वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज का नाम है ऑल ऑफ अस आर डेड। ये एक कोरियन हॉरर थ्रिलर और ड्रामा वेब सीरीज है जो कि 2022 में आई थी। इस वेब सीरीज के अंदर हमें एक हाई स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स की कहानी दिखाई गई है जो कि एक आउटब्रेक के दौरान उन पे ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं और फिर ये स्टूडेंट्स उन ज़ॉम्बीज से बचने के लिए कैसे सर्वाइव करते हैं ये सब कुछ हमें इस सीरीज के अंदर दिखाया गया है। ये पहली दो वेब सीरीज उन लोगों के लिए है जिनको ज़ॉम्बीज और हॉरर थ्रिलर वेब सीरीज पसंद है। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज का नाम है ताज़ा खबर। ये वेब सीरीज आई थी 2022 में और आपने बिल्कुल सही पहचाना, इसमें हम सबके फेवरेट बहुआ बान और बीबी की वाइन ने मेन लीड प्ले किया है। ये एक फैंटेसी एडवेंचर वेब सीरीज है जिसके सिर्फ और सिर्फ 6 एपिसोड हैं और उनको अगर कुल मिला के देखा जाए तो तकरीबन 3 घंटे के बनते हैं। इसमें कहानी दिखाई गई एक ऐसे आदमी की जो कि टॉयलेट के बाहर बैठता है और एक दिन अनजाने में किसी औरत की मदद करने पर उसको एक वरदान मिलता है जिससे उसको फ्यूचर में होने वाली चीजें 1 घंटा पहले ही पता चल जाती है। वेल, तो कैसे अपने बवन भैया इस वरदान को लेकर अपनी जिंदगी को चेंज करेंगे या उनकी लाइफ में क्या क्या फैंटेसीज उनको देखने को मिलेंगी ये तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज का नाम है अलाइस इन अ बॉर्डरलैंड। इसके अब तक 2 सीजन आ चुके हैं और दोनों ही इतने ज्यादा कूल हैं कि आप इनमें से 10 सेकंड को भी काट नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर जो सस्पेंस और थ्रिलर को दिखाया गया है वो किसी और में नहीं। इसमें कहानी दिखाई गई है 3 दोस्तों की जो कि अपनी जिंदगी से परेशान होकर टोक्यो आते हैं और वहाँ पहुंचते ही उनको एक मिस्टीरियस पैरेलल यूनिवर्स में जाना पड़ता है। इस यूनिवर्स में पहुँचने के बाद उनको गेम्स खेलने होते हैं जो कि एक के बाद और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। इन गेम का मेन मुद्दा यही है कि आपको सर्वाइव रहना है। अगर आप जीते तो आपको 3 दिन का वीजा मिलता है और अगर आप हारे तो आपकी वहीं डेथ हो जाती है और इनके स्टेक्स इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि उनसे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। वेल, तो कैसे ये 3 दोस्त इन सबसे बच पाएंगे या नहीं ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा। इस सीरीज को देखते वक्त आप इसके अंदर पूरा घुस जाएंगे। मेरी पर्सनल सजेशन यही है कि कोई और देखो ना देखो, इस सीरीज को जरूर देखो। हमारी इस लिस्ट की सबसे आखिरी वेब सीरीज का नाम है द मैंडलोरियन, जिसके अब तक 3 सीजन आ चुके हैं और तीनों ही बहुत ज्यादा एक्शन और साइफाई एडवेंचर से भरे हुए हैं। ये वेब सीरीज स्टार वार्स यूनिवर्स का हिस्सा है। अगर आपको स्टार वार्स की फिल्में पसंद है तो आपको ये बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपको नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें कहानी दिखाई गई एक बाउंटी हंटर की जिसको एक 50 ईयर ओल्ड बेबी योडा को स्मगल करने का काम दिया जाता है। फिर वो बाउंटी हंटर बहुत सारे प्लैनेट से गुजरता है और इस बेबी योडा को एलियन से बचाने के लिए बहुत सारी फाइट्स करनी पड़ती है। वेल, तो कैसी होगी इन दोनों की जर्नी ये तो आप खुद ऑब्जर्व कर लेंगे। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा और ऐसी अच्छी अच्छी मूवीज और वेब सीरीज के अपडेट्स के लिए देखते रहिए मैं यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।